Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Brain Root series. And here's a book, Cyborg Creators. Today we are going to start with chapter number 6 and the name is E-commerce, Blogging and Podcasting. So children, there are some terms that you may have heard. ऐसे कुछ terms आपने हो सकता है सुने हो, e-commerce क्या होता है या blogging कैसे की जाती है या क्या होती है या फिर podcasting क्या है. So let's read in this chapter what all we are going to read. Let's see. So we are going to learn about e-commerce, e-shopping, modes of online payment, e-banking, e-ticketing, blog, web feed and podcasting. So before we begin, write down at least 7 uses of internet in the space given below. तो यहाँ पे space दिया गया है, आपको क्या करना है, internet के 7 uses यहाँ पे लिखने हैं. Let's start the chapter with e-commerce. सो चिल्ड्रेन, अगर किसी भी वर्ड के नाम के पहले ई लिखा है और एक हाइफन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक. सो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट. तो ई कॉमर्स क्या है, बिजनेस को करना लेकिन इंटरनेट पे ऑनलाइन चीजों को खरीदना या फिर बेचना. इट रिफर्स टू बाइंग एंड selling of goods and services or transmitting funds or data through electronic medium. इसका मतलब होता है चीजों को ऑनलाइन खरीदना या फिर बेचना या फिर फंड्स को, पैसों को या डेटा को ऑनलाइन मीडियम से ट्रांसफर करना. कंपनीज क्या करती हैं, वेबसाइट्स को क्रिएट करती हैं एडवर्टाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को. कस्टमर्स क्या करते हैं, ये खरीदते हैं चीज़ों को अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, डेबिट कार्ड को यूज़ करके, नेट बैंकिंग भी यूज़ करते हैं, कैश पेमेंट भी करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, वॉलेट्स के थ्रू भी पेमेंट करते हैं एंड UPI पेमेंट्स भी की जाती हैं. Different types of e-commerce. अब अलग अलग तरीके के कौन कौन से e-commerce है, let's see. So there are various modes of e-commerce that are described below. पहला आता है business to business. This type of e-commerce involves two companies buying or selling products. तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी और दो कंपनी दोनों आपस में प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हैं, खरीद और बेच रही हैं या फिर सर्विसेज को खरीद बेच रही हैं. For example, a food manufacturer purchasing flour from flour mill. तो एक जो है आप कह सकते हो food manufacturer हो गया, वो क्या कर रहा है, आटा जो है ऑनलाइन खरीद रहा है एक flour mill से. तो दो businesses आपस में एक दूसरे को सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं. अगला आता है business to customer. अब business से customer तक कैसे आती है चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा common तरीका है e-commerce का. अब इसमें क्या होता है, जो कंपनी है होती है वो एक वेबसाइट बनाती है इंटरनेट पे और अपने चीज़ों को या फिर सर्विसेज को वहाँ पे सेल करती है कस्टमर्स को बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम, उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देके. इससे क्या होता है, जो कस्टमर है वो चीज़ों को खरीदता है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है, इंफॉर्मेशन लेता है अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट साइट. तो अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं उस साइट पर जाके उस चीज़ के बारे में सारी डिटेल्स ले सकती हूँ. अगला आता है कस्टमर टू बिजनेस. अभी बिजनेस टू कस्टमर था, अब कस्टमर से बिजनेस तक कैसे जाती है चीज़. द कस्टमर टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व्स कस्टमर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंपनी. तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को कंपनीज को बेचता है. ये जो कंज्यूमर है ये पोस्ट करता है अपने प्रोजेक्ट्स को एक बजट बना के ऑनलाइन, जिसे कंपनीज देखती हैं, रिव्यू करती हैं और फिर अपने बिड्स को प्लेस करती है. मींस कंपनीज बिड करती है कि प्रोडक्ट मैं इतने में लूँगा और दूसरी कंपनी इतने में लेगी. आफ्टर दिस जो कस्टमर है वो सबको रिव्यू करता है, सिलेक्ट करता है कंपनी जिसे उसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है
ताकि वो जो कंपनी है वो उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है या नहीं कर रही है, जिससे उसका कंप्लीट हो सके प्रोजेक्ट। तो ये था कस्टमर टू बिजनेस। अगला आता है कस्टमर टू कस्टमर। अब कस्टमर टू कस्टमर जो है ये ई कॉमर्स में इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये जो है कस्टमर और इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। जो इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं वो पोस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को सेल के लिए, एंड अदर कस्टमर बिड्स फॉर देम। तो एक कस्टमर क्या करता है, उसके घर में मान लो उसे फ्रिज की अब ज़रूरत नहीं है या एक टीवी की ज़रूरत नहीं है, उसने वो उसको पब्लिश कर दिया। तो दूसरा कस्टमर क्या करेगा, उसको देखेगा ऑनलाइन और उसे सेकेंड हैंड अगर फ्रिज चाहिए होगा तो वो वहाँ से ले सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे OLX हो गया या eBay हो गया या फिर यूबिड हो गया। इन साइट्स पे जाके आप इजीली जो है यूज्ड प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। अब क्या क्या एडवांटेजेस है इस ई कॉमर्स के, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो विथ ई कॉमर्स इट्स इजी टू लोकेट, चूज, बाय एंड गेट डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्मार्टली वाइल सिटिंग एट होम। घर पे बैठे बैठे हम आराम से चीज़ों को खरीद सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं, चूज कर सकते हैं और अपने घर बैठे बैठे उन चीज़ों को घर तक मंगवा सकते हैं। दूसरा क्या है एडवांटेज, ई कॉमर्स हमेशा 24/7 अवेलेबल है। तो रात के चाहे 12 बज रहे हो या 3, आप कभी भी इन ई कॉमर्स साइट्स को खोलिए और आप कभी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन विजिट द स्टोर। अब कस्टमर इन स्टोर्स पे जा सकता है, प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकता है और अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है ई कॉमर्स क्या करता है, हेल्प करने में हेल्प करता है प्रोसेस को बनाने में, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एनालिसिस इन द प्रोडक्ट रिलेटिवली इजी। तो ई कॉमर्स की मदद से आप चीज़ों को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हो और उससे रिलेटेड ऑप्शंस को भी ढूंढ सकते हो, प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हो एक ही जगह पे। इट प्रोवाइड्स मोर चॉइसेस। अब आप अगर ऑनलाइन बैठे हो तो आपको एक चीज़ के बहुत सारे चॉइसेस वहाँ पे दिखाई देंगी। आप चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो उनके अलग अलग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, उनके प्राइस, क्वालिटी और डिलीवरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स इज अ टाइम सेविंग एक्टिविटी। अगर हमने ई कॉमर्स के थ्रू चीज़ें खरीदी या बेची तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। 2 मिनट ऑनलाइन के आगे हमने चीज़ें खरीद ली या फिर बेच ली। नेक्स्ट है कस्टमर्स कैन ऑल्सो रीड द रिव्यूज एंड कमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं क्या करूँगी, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को पढ़ूंगी, उसके कमेंट्स को पढ़ूंगी, फिर अगर वो रिव्यूज़ मुझे अच्छे लगे तो मैं उस प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगी, नहीं तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं भी खरीद सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, हम प्रोडक्ट के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते कि लोगों ने जिन्होंने यूज़ किया उस प्रोडक्ट को उनका क्या कहना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने चॉइस ले सकते हैं। फिर क्या है लास्ट पॉइंट कहता है जो ऑनलाइन सर्विसेज है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऑल्सो ल्यूर दे कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग देम अट्रैक्टिव डील्स एंड कूपन्स। अब ये जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है ये क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट खरीदो तो आपको इतने रुपए का डिस्काउंट कूपन मिलेगा। तो ऐसे क्या करते हैं अपने, ये अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने इन डील्स को देके। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट। फ्लिपकार्ट इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी है, हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में है। इट वॉज फाउंडेड इन 2007 बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल एंड करेंटली ओन्ड बाय वॉलमार्ट। तो ये जो फ्लिपकार्ट है इसे सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मिलके ढूंढा था, इन्हें इसे जो है ओन किया था और अब ये वॉलमार्ट ओन कर रही है। नाउ अब जैसे कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ई कॉमर्स के। क्या है, इट इज़ नॉट ऑलवेज सिक्योर टू परचेज थिंग्स ऑनलाइन। हमेशा चीज़ों को ऑनलाइन खरीदना सिक्योर नहीं होता। अ कस्टमर शुड मेक अ चेक अबाउट द वेरिसिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर बिफोर बाइंग एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो मीन्स जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो ट्रू है या नहीं, ये हम कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है पहले, किसी चीज़ को खरीदने के पहले या ऑनलाइन पेमेंट के करने के पहले।
Since most of the customers make payment through debit card or credit card, so one should remain extra vigilant about the misuse of information, possibility of fraud. क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो आपको इन इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ से बचना चाहिए. ऐसी जगहों पे ना एंटर करें इस डेटा को जो सेफ ना हो. वाइल ई कॉमर्स मेक्स एवरीथिंग ईजिली एक्सेसिबल, क्योंकि ई कॉमर्स की वजह से हर चीज़ ईजिली आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं चीज़ों को खरीदने में ऑनलाइन. She cannot examine the product physically, क्योंकि ऑनलाइन में हम चीज़ों को फिजिकली जो एग्जामिन नहीं कर सकते और श्योर नहीं हो सकते कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, या दे आर डिलीवर टू हिज या वो ठीक तरीके से उसके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा या नहीं. अब कॉन्स्टेंट एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड टू शॉप ऑनलाइन. अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हमेशा आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. सो चिल्ड्रेन, दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज ई शॉपिंग. इंटरनेट ऑफर्स अस कन्वीनियंट वेज टू शॉप फ्रॉम आवर होम्स. इंटरनेट क्या करता है, हमें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके दिखाता है जिससे हम आराम से घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं. ऑफिस में बैठ के हम शॉपिंग कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, स्टेशनरी खरीद सकते हैं, अपैरल्स कपड़े खरीद सकते हैं, हेल्थ की चीज़ें खरीद सकते हैं, घर का सामान खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं, और भी बहुत लंबे लिस्ट है जिन चीज़ों को हम घर बैठे खरीद सकते हैं. सो वी कैन बाय और सेल न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड गुड्स. हम नई चीज़ों को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं और पुरानी सेकेंड हैंड चीज़ों को भी खरीद सकते हैं. इस प्रोसेस को, ये जो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है इंटरनेट के ऊपर, इसे हम ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ई शॉपिंग के नाम से जानते हैं. तो कुछ पॉपुलर पोर्टल्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग्स में हमारी हेल्प करते हैं, चीज़ों को खरीदने में हेल्प करते हैं, वो है amazon.com, ebay.com, craigslist.com, bonanza.com, ajio and flipkart.com. तो ये कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं. तो चलिए पढ़ते हैं हम Amazon के बारे में. Amazon क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है पूरी दुनिया में, और ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जिसे जो है 5 जुलाई 1994 में जो है फाउंड किया गया था. कहाँ पे, सेटल के हेडक्वार्टर्स में जो कि वॉशिंगटन में लोकेटेड है. ये जो साइट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अपने चीज़ों के लिए जानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन है बुक्स का, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, क्लोथ, फूड आइटम्स एंड बेवरेजेस, फर्नीचर, ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर आइटम. जितनी भी कंज्यूमर आइटम्स है वो आपको, ज़्यादातर आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. इट अलाउज इट्स यूजर टू अवेल पेमेंट थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कार्ड स्वैप, ऑन डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी. तो ये सारी सर्विसेज हमें Amazon देता है. अब टू मेक यूज ऑफ दिस शॉपिंग टूल, अब इस शॉपिंग टूल को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा या फिर amazon.in पे जाना होगा. अब यहाँ पे आपको जो भी आइटम है उसके नाम को टाइप करना है सर्च बॉक्स में एंड सेलेक्ट करना है जो भी अप्रोप्रिएट आपको आइटम चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, शॉप बाय कैटेगरी ऑप्शन में जाके, एंड इट इज़ जस्ट बिलो द Amazon लोगो, Amazon के लोगो के जस्ट नीचे ये. अब जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, डिटेल्स को चेक कर लीजिए, की फीचर्स को चेक कर लीजिए, स्पेसिफिकेशन को चेक कर लीजिए उस आइटम के, एंड जब आप सेटिस्फाइड फील करें तो आप जो है प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन से तो आप बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं. अब जैसे आपने बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक किया, आपका क्या होगा, एक Amazon अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, क्रिएट करने के लिए इस अकाउंट को आपको अपना नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालनी होगी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा. नाउ क्लिक ऑन क्रिएट योर Amazon अकाउंट. अब हमें Amazon अकाउंट बनाना है. अब यहाँ पे हम जाके अपनी एड्रेस की डिटेल्स डाल सकते हैं डिलीवरी एड्रेस सेक्शन में एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं. अब हम आते हैं पेमेंट मेथड की. अगर बात की जाए तो हम पेमेंट मेथड पे आ सकते हैं. यहाँ पे आके हम जो भी डिटेल्स है उसे फिल कर सकते हैं.
अब सपोज आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो आप आगे जाके कंटिन्यू इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जो भी आपके ऑर्डर डिटेल्स है उसे आप यहाँ से रिव्यू करिए, प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे क्लिक करिए और आपको एक 3D सिक्योर कोड मिलेगा बैंक की तरफ से, जिसकी वजह से आप इस पेमेंट के लिए ऑथराइज हो जाएंगे। नाउ यू विल गेट अ थैंक यू पेज वंस द ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड। जब आपका ऑर्डर पूरी तरह से अच्छी तरीके से प्लेस हो गया तो आपको एक थैंक यू पेज मिलेगा। Amazon has created different retail websites. Amazon ने बहुत सारे retail websites बनाए हैं अलग अलग countries के लिए to facilitate fast and easy delivery, ताकि जो products को easily और fastly deliver किया जा सके। India के लिए ये जो website है ये है www.amazon.in। For Canada ये है www.amazon.ca। फॉर अमेरिका इट इज www.amazon.com एंड सो ऑन। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स अमेजन ने बना रखी है। तो अब हमने पढ़ लिया अमेजन क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। द पेमेंट दैट आर मेड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। सो वो पेमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है उन्हें फाइनेंशियल पेमेंट्स कहा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। द पेमेंट दैट आर मेड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऐसे पेमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कहते हैं। ये जो पेमेंट्स हैं ये ई शॉपिंग, ई टिकटिंग, ई बैंकिंग और भी चीज़ों के लिए की जाती हैं। एवरीथिंग एक्सेप्ट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सब कुछ किया जा सकता है सिर्फ एक्सेप्ट द फिजिकल डिलीवरी, मीन्स जो प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल डिलीवरी को छोड़ के सब चीज़ें की जा सकती हैं इसके थ्रू। एंड ऑन द इट इज़ डन ऑन इंटरनेट। कस्टमर क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके दिए गए हैं पेमेंट के ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स करने के, और जो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के उसमें से पहला है नेट बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का तरीका है जिसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे अपने बैंक वेबसाइट पे जाके। टू मेक यूज़ ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी का यूज़ किया जाए, You first need to register with the bank website. आपको सबसे पहले बैंक की वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। By entering the essential credentials and set up a secret user password. और यहाँ पर जाके आपको एक secret user password create करना पड़ेगा। This way you can verify yourself when carrying out an online transaction. और इस तरीके से आप अपने online transaction को carry on कर सकते हो। अब आता है आपका डेबिट कार्ड। ये एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो जगहों पे जहाँ पे आपने कैश यूज़ नहीं किया है, या फिर चीज़ों खरीदने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। व्हेन परफॉर्मिंग अ ट्रांजैक्शन विद डेबिट कार्ड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द कार्ड डिटेल्स। तो जब भी आप कार्ड को यूज़ कर रहे हो आपको अपनी कार्ड डिटेल्स देनी होती है टू द ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस को। And the amount gets deducted from the card holder's bank account. और इसके बाद जो amount है वो जो person है उसके bank account से deduct हो जाता है। Usually debit cards allows for instant withdrawal of cash it acts as ATM card also. लेकिन ज़्यादातर ये जो debit card है इन्हें हम ATM से cash निकालने के लिए use करते हैं। अगला आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, ये करता है आपको पैसे को बोरो करने में हेल्प करता है अपने बैंक से किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मींस उधार लेने का काम आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। सो जब एक कस्टमर पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो जो बैंक होता है वो उसके बिहाफ पे कर देता है और एक ग्रेस पीरियड देता है उस पर्सन को 25 से 30 डेज का टू पे द क्रेडिट कार्ड बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने का। इफ यू डू नॉट पे इट बैक इन दैट पीरियड देन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट टू योर बैंक। अगर आपने उस दिए गए टाइम में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया तो आपको अपने बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आता है स्मार्ट कार्ड। अ स्मार्ट कार्ड रिजेंबल्स अ क्रेडिट कार्ड इन साइज
and shape, but it processes a financial transaction in a completely different manner. So ये जो स्मार्ट कार्ड है दिखने में तो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है साइज या फिर शेप में, लेकिन ये उससे पूरी तरह से अलग होता है. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके के हो सकते हैं, डेबिट या फिर क्रेडिट. द कैश फ्रॉम द यूजर्स बैंक अकाउंट इज ट्रांसफर टू द स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड में जो आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. Using smart card, the user can do any type of online transaction. और इससे आप किसी भी तरीके के online transactions को कर सकते हो. It can also be used to store consumer information in an encrypted form. ये जो है smart card क्या करता है, जो consumer है उसके information को एक encrypted message के form में store करता है. Thereby making it more secure. जिससे ये information secure हो जाती है. वीज़ा कार्ड इज़ अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड. सो ये जो वीज़ा कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है स्मार्ट कार्ड का. नेक्स्ट कम्स डिजिटल मिडिल मैन. डिजिटल मिडिल मैन रिफर्स टू अ कंपनी दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंपनीज दैट प्रोवाइड द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये जो डिजिटल मिडिल मैन है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है सारी कंपनीज के जो एक तरीके के प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, जैसे कि कार बेचती हैं या होम अप्लायंसेस बेचती हैं या कंप्यूटर के हार्डवेयर को बेचती हैं या फिर सर्विसेज जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल स्टे एक्सेट्रा. तो ये जो है क्या करती हैं, डिस्प्ले करती हैं सारी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को एक जगह एंड ऑन देयर वेबसाइट, अपने वेबसाइट पे. अ मिडिलमैन फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन पार्टीज फॉर ईच ट्रांजैक्शन. ये जो मिडिल मैन है क्या, ये क्या करता है, जो इंटरेक्शन है दोनों पार्टीज के बीच में उसको फैसिलिटेट करता है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, टिपिकली फॉर अ कमीशन ऑफ फीस. तो ये मिडिल मैन क्या करता है, एक कमीशन लेता है इन कंपनीज से, अपना जो भी कस्टमर यहाँ पे अप्लाई करता है या ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें ये मिडिल मैन क्या करता है, जो है एक तरीके का कमीशन लेता है. नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट. An electronic wallet or e-wallet allows the user to make online transaction through a computer or smartphone. So, ये जो electronic wallet है या इसे हम e-wallet भी कहते हैं, ये क्या करता है, user को help करता है online payment करने में computer के through या फिर smartphone के through. A e-wallet is usually linked with the user's bank account to make payments such as utility bills, mobile phone, DTH connection, recharges, etc. सो ई वॉलेट से, ये जो ई वॉलेट है आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है और उससे आप ये सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. इट कैन बी यूज एज अ प्रीपेड अकाउंट. इसे हम एज अ प्रीपेड अकाउंट यूज कर सकते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, हम वी कैन यूज इट विच यूजर कैन स्टोर मनी फॉर फर्दर ट्रांजैक्शन. जिसमें जो यूजर मनी को स्टोर कर सकता है आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर यूजर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन. यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, जैसे कि कार्ड नंबर होता है, पिन नंबर होता है और शिपिंग एड्रेस, और भी बहुत सारी चीज़ें इस इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में होती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल वॉलेट. इसे डिजिटल वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है. ये जो है सिक्योर तरीका है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का, एज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर योर कार्ड डिटेल. इसमें आपको कार्ड डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती. There are many applications which provide electronic wallets. तो बहुत सारे ऐसे applications हैं जो electronic wallet provide करते हैं, जिसमें से Paytm हो गया, MobiQuick हो गया और FreeCharge, ये कुछ electronic wallets हैं. अब बारी आती है UPI payments की. UPI stands for Unified Payment Interface. It's like a digital wallet that lets you link all your bank accounts on one tap. ये एक डिजिटल वॉलेट है जो क्या करता है, आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसे एक ही ऐप में स्टोर कर लेता है. टू मेक अ पेमेंट यू जस्ट नीड टू एंटर द फोन नंबर ऑफ द पर्सन यू वॉन्ट टू सेंड मनी. अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आपको क्या करना होगा, फोन नंबर को एंटर करना होगा उस पर्सन का जिसको आपको पैसे भेजने हैं. यू नीड ओनली टू स्कैन द QR कोड. आपको सिर्फ QR कोड स्कैन करना होता है. ये जो काफ़ी ज़्यादा क्विक, ईजी एंड डोंट नीड टू रिमेंबर लॉन्ग अकाउंट नंबर्स. तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसमें आपको बड़े बड़े अकाउंट नंबर्स बार बार एंटर करना या फिर रिमेंबर करना की ज़रूरत नहीं होती.
Next comes payment service provider. Payment service providers are companies that facilitate e-commerce merchants in accepting and processing electronic payments. So, ये payment service provider है, ये ऐसी companies हैं जो e-commerce को facilitate करती हैं और accept करती हैं processing electronic payments को. ये जो है बेसिकली क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक सिक्योर पोर्टल जहाँ पे आप अपने जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स को. पेमेंट जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया जा सकता है, डेबिट कार्ड के थ्रू किया जा सकता है, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है. पेपॉल, फास्ट चार्ज एंड सिक्योर पे आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स. ना भीम, जिसे हम भारत इंटरफेस फॉर मनी के नाम से जानते हैं, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है दैट अलाउज यूजर्स टू मेक डिजिटल पेमेंट, जो यूजर्स को डिजिटल पेमेंट करने में हेल्प करता है यूपीआई के थ्रू. ये ऐप जो है अवेलेबल है दोनों एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेस पे. नेक्स्ट आता है आपका ई बैंकिंग. ई बैंकिंग का शॉर्ट फॉर्म, जो फुल फॉर्म है इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इट इज़ अ वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन्स. ये एक तरीका है जिससे बैंक के ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म किया जा सकता है इंटरनेट पे. जो कस्टमर होता है वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को कर सकता है ई बैंकिंग के थ्रू, जैसे कि वो चेक कर सकता है कितना अकाउंट में उसके पैसा है, या मनी को डिपॉजिट कर सकता है, या लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, या बिल्स को पे कर सकता है. ये जो ट्रांजेक्शन है ये जो है किसी भी वर्ल्ड के कोने से किया जा सकता है, और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस सर्विस को कहीं से भी कर सकते हो. 24/7 इसकी सर्विस आपको अवेलेबल मिलेगी, मींस सातों दिन 24 घंटा आप इस सर्विस का को यूज़ कर सकते हो. और एंड हेल्प द बैंक टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से जो बैंक का जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है वो कम हो जाता है. ये जो स्टेप्स है परफॉर्म किए जाते हैं बैंकिंग में वो हैं, ओपन द वेबसाइट ऑफ द बैंक, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, डू द अप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ जाके यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा, और जो भी ट्रांजेक्शन आपसे बोली जा रही वो करनी है. ई बैंकिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है ट्रांजेक्शनल बैंकिंग, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है, मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है, बिल्स को पे किया जाता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, मीन्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसे. और दूसरा होता है नॉन ट्रांजेक्शनल ई बैंकिंग. इसमें क्या है, कस्टमर जो है परफॉर्म कर सकता है नॉन ट्रांजेक्शनल टास्क, जैसे कि अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकता है, चेकबुक को ऑर्डर कर सकता है. तो इसमें कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बस आपने कुछ वर्क किया है अपने बैंक से रिलेटेड. सो ये सारे जो काम है वो नॉन ट्रांजेक्शनल ई बैंकिंग में आते हैं. नेक्स्ट कम्स ई टिकटिंग. ई टिकटिंग मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट फॉर अ सर्विस वाया इंटरनेट. तो किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन करना या अपॉइंटमेंट लेना, इसे ही हम ई टिकटिंग कहते हैं, जो कि इंटरनेट पे किया जाता है. अब जो इंटरनेट क्या होता है, वी कैन ओनली नॉट ओनली चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, एनी टाइम एंड बुक टिकट. हम इस इंटरनेट की वजह से ना तो सिर्फ सीट्स को चेक कर सकते हैं, बल्कि हम रिजर्वेशन भी कर सकते हैं. हम रूम को रिजर्व कर सकते हैं, मीटिंग हॉल्स को रिजर्व कर सकते हैं, टेबल्स को रिजर्व कर सकते हैं रेस्टोरेंट में. और इन सर्विसेज के लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है पेबल चार्जेस, जो भी पेबल चार्जेस उसे चेक करना होता है एट द सेम मोमेंट एंड बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट थ्रू वेरियस अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट वेज. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो ऑनलाइन पेमेंट है उसके थ्रू आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो इन जगहों पे. वी कैन कन्फर्म आवर रिजर्वेशन, और अगर हमने ट्रांजेक्शन कर दिया है तो हमारा रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंडियन रेलवेज है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.irctc.co.in, ये क्या करता है, ई रिजर्वेशन को यूज़ करता है. इसमें जो है आपको सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि ट्रेन की सीट्स की अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हो, टिकट्स को कैंसिल कर सकते हो, ई टिकट को प्रिंट कर सकते हो. नेक्स्ट
www.bookmyshow.com is one of the biggest ticketing portal. ये भी एक बहुत बड़ा ticketing portal है कंट्री में, और ये क्या करता है, बुक करता है एडवांस सीट मूवी की. सो मूवी टिकट्स आपको बुक करनी है तो आप bookmyshow.com पे जाके बुक कर सकते हो. कॉन्सर्ट टिकट्स को यहाँ से बुक कर सकते हो या फिर दूसरे इवेंट्स को आप यहाँ से बुक कर सकते हैं. इट वॉज लॉन्च इन ऑगस्ट 2007. सो ऑगस्ट 2007 में ये लॉन्च किया गया था. अब नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन ब्लॉग. सो ब्लॉग क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीका है वेबसाइट्स को टू क्रिएट वेबसाइट्स दैट अलाउ अस टू शेयर आवर थॉट्स. तो अगर हमें अपने थॉट्स को शेयर करना है तो आप अपने ब्लॉग बना सकते हो विथ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड से आप अपने जो भी थॉट्स हैं वो अपने ब्लॉग के थ्रू शेयर कर सकते हो. रीडर्स कैन ऐड कमेंट टू द ब्लॉगर्स पोस्ट. अब मैंने मान लो ब्लॉगिंग की है तो जो रीडर्स हैं वो मेरे कमेंट पे, मेरा जो ब्लॉग है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. लेटली ब्लॉगर्स हैव बिकम वेल नोन कमेंटेटर्स. आज के टाइम में जो ब्लॉगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाने माने कमेंटेटर्स हो चुके हैं, कमेंट्री करना उन्हें आ गया है. ब्लॉगर्स वॉज लॉन्च इन 1999. ये जो ब्लॉगर्स हैं इसे 1999 में लॉन्च किया गया था. Originally, Blogger was developed by Fire Labs, which was bought by Google in 2003. So, ये जो Blogger से इसे develop किया था Fire Labs में, जिसे Google ने 2003 में जो लेके आया था. अब हम सीखते हैं कैसे हम blog को create कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, www.bloggers.com की website पे जाना है. जो blog है वो open हो जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे हमें create your blog option पे जाना है. सो क्रिएट योर ब्लॉग ऑप्शन पे जब आप गए तो यहाँ पे आपको जो है, टू क्रिएट द ब्लॉग ऑफ द ब्लॉगर साइट यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट. तो आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो जीमेल पे हो, एल्स यू विल हैव टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट. और अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. फिर आपको अपने साइन इन करना है यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, एंड यू विल गेट अ ब्लॉगर स्क्रीन. आपके सामने आ जाएगा ब्लॉगर स्क्रीन. Specify the name of a blog in the title. आपका जो भी टाइटल है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉग एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. और यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. अब हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है URL या फिर एड्रेस ऑफ द ब्लॉग इन द एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स. योर ब्लॉग एड्रेस URL विल बी आइडेंटिटी ऑन द वेबसाइट and will be used to read and link to your blogs and then click on the next button. तो हमें यहाँ पे आके URL पे क्लिक करना है, उसे एंटर करना है और नेक्स्ट बटन पे जाना है. URL क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है जिससे लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट है, अब हमें स्पेसिफाई करना है वो नेम जो डिस्प्ले करना है. टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर डिस्प्ले नेम में जाना है, एंड This name will be appeared as a signature in the article. ये name आपके signature के रूप में उस article में हमेशा मिलेगा जो भी आप post करेंगे इस blog में. Now, अब ये सब करने के बाद हमें finish button पे click करना है. Your blog gets create. अब आपका जो blog है वो create हो चुका है. अब आपको क्या करना है, content को add करना है अपने blog में. तो आपने क्या किया, click किया new post button पे. New post button पे click किया left side में, जो न्यू विंडो अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इन द पोस्ट टेक्स्ट यू कैन एंटर द टाइटल ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट. तो इसमें पोस्ट टेक्स्ट में आप अपना जो भी टाइटल है ब्लॉग का वो एंटर कर सकते हैं. द कंटेंट, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं. एंड फॉर्मेटेड इन द काउंटर विंडो. और ये चीज़ें फॉर्मेट हो जाती है काउंटर विंडो में. To format the text, use the tools in the टूल बार डिस्प्ले. फॉर्मेट करना है अगर हमें टेक्स्ट को तो हमें कहाँ जाना है, हमें टूल्स को यूज़ करना है टूल बार डिस्प्ले में जाके. एट द टॉप ऑफ द काउंटर कंटेंट विंडो. तो कंटेंट विंडो के ऊपर आपको टूल बॉक्स दिखेगा, वहाँ से आप जो है इस टूल बॉक्स से जो है आप जो चीज़ों को कंटेंट को एडिट कर सकते हो. This is also similar to the formatting toolbar available in Word 2021. So ये जो है Word 2021 में जो formatting toolbar है उसकी तरह ही ये work करता है. अब हमने अपना blog बना लिया,
अब हम सीखेंगे व्यूइंग एंड एडिटिंग योर ब्लॉग. अब अपने ब्लॉग को देखना कैसे और उसे एडिट कैसे करना है. सो क्लिक ऑन द व्यू ब्लॉग. आप देख सकते हो आपके सामने है व्यू ब्लॉग ऑप्शन. यहाँ पे उस पर क्लिक करिए, यू विल गेट अ न्यू विंडो. तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया आपके सामने एक नया विंडो आ जाएगा. टू एडिट योर ब्लॉग क्लिक ऑन द पोस्ट आइकन. अगर आपको अपने ब्लॉग्स को एडिट करना है तो पोस्ट आइकन पे जाइए और सेलेक्ट करिए पोस्ट जिसे भी आपको एडिट करना है. इट टेक्स यू टू द कंटेंट विंडो. और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप कंटेंट विंडो पे चले जाएंगे. मेक नेसेसरी चेंजेस इन द कंटेंट एंड क्लिक ऑन द अपडेट बटन. तो जो भी चेंजेस आपको करने हैं उसे करिए और अपडेट बटन पे क्लिक कर दीजिए. क्लिक ऑन द व्यू ब्लॉग टैब अगेन. अब हमें व्यू ब्लॉग टैब पे फिर से क्लिक करना है टू व्यू द मॉडिफिकेशन डन बाय यू. जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है उसे देखने के लिए. सिमिलरली यू कैन ऐड मोर कंटेंट टू योर ब्लॉग बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू पोस्ट बटन. इसी तरीके से आप और भी ज़्यादा कंटेंट्स को ऐड कर सकते हो अपने ब्लॉग में न्यू पोस्ट बटन पे क्लिक करके. यू कैन यूज डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस अंडर द सेटिंग टैब. तो आप जो है सेटिंग टैब में जाके अलग अलग तरीके के मेन्यू ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. फ्रॉम द लेफ्ट पेन टू एडिट योर प्रोफाइल. लेफ्ट पेन पे जाके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, ब्लॉग एड्रेस डाल सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं दूसरों को अपने ब्लॉग्स को देखने के लिए और ऐड देम एज मेंबर ऑफ योर ब्लॉग या फिर उन्हें अपना ब्लॉग का मेंबर बना सकते हैं. टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर ब्लॉग क्लिक ऑन द लेआउट टैब. अब आपको अगर अपने ब्लॉग का अपीयरेंस चेंज करना है तो आप लेआउट टैब पे जाइए. यू कैन ऐड गैजेट्स एंड ऐड और मॉडिफाई द पेज एलिमेंट्स इन योर ब्लॉग. तो आप गैजेट्स को ऐड कर सकते हैं या जो पेज एलिमेंट्स है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं. अब जब हमने ये सारे चेंजेस कर दिए हैं हमें साइन आउट बटन पे जाना है इन द गूगल अकाउंट थंबनेल जो कि आपके टॉप राइट कॉर्नर विंडो पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग को व्यू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना URL एंटर करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारा URL है computerforall1234.blogspot.com.in. द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर एंड प्रेस द एंटर की. तो ये एंटर करने के बाद हमें एंटर की प्रेस करना है, आपके सामने आपका ब्लॉग अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स वेब फीड. द वेब फीड इज अ डेटा फॉर्मेट यूज टू कीप द यूजर एब्रेस विद द फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट. तो वेब फीड क्या है, ये एक ऐसा डेटा है जो क्या करता है अपने यूजर्स को जो भी करंटली अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसको बताता है. वेबसाइट सच एज न्यूज एंड ब्लॉग साइट्स, मेडिकल वेबसाइट एक्सेट्रा कीप ऑन अपडेटिंग देयर कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो ये जो आपके ब्लॉग साइट्स होते हैं या जो मेडिकल वेबसाइट्स होते हैं ये अपने कंटेंट को डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं. यूजिंग वेब फीड यू कैन व्यू इंफॉर्मेशन एंड अपडेट फ्रॉम सच साइट्स. आप इस वेब फीड को यूज करके आप अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हो इन साइट से ऑन अ सिंगल पेज, एक सिंगल पेज पे विदाउट द नीड ऑफ विजिटिंग मल्टीपल URLs, बिना बहुत सारे URLs पे गए. अ वेब फीड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सिंपल टाइटल्स. ये जो वेब फीड है इसमें सिंपल टाइटल्स आपको मिलेंगे, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ अपडेटेड कंटेंट, मीन्स जो अपडेटेड कंटेंट है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलेगा अलॉन्ग विद द कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन और कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन के साथ एंड लिंक्स टू द फुल कंटेंट और लिंक मिलेगा पूरे कंटेंट का. टू एक्सेस अ वेब फीड यू नीड टू सब्सक्राइब टू द वेबसाइट. अगर आपको एक्सेस करना है वेब फीड को तो आपको जो वेबसाइट है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. वन ऑफ द वे टू सब्सक्राइब एंड टू सच अ वेबसाइट इज नोन एज RSS, जिसे हम रिच साइट समरी भी कहते हैं. तो इस तरीके से आप वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हो. इट अलाउज यू टू एक्सेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड फीड. ये क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में हेल्प करता है जिसे हम फीड्स कहते हैं. When you subscribe, you will get a feed often a series of headlines and brief summaries of all the articles. जब आप सब सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या होगा, आपको जो भी फीड्स हैं
उससे रिलेटेड हेडलाइंस मिलेंगे, ब्रीफ समरीज मिलेगी, जैसे कि न्यूज़ हेडलाइन हो गई, वेदर रिपोर्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वेब पेज पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉडकास्टिंग। द वर्ड पॉडकास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, आईपॉड एंड ब्रॉडकास्ट। तो ये जो पॉडकास्ट वर्ड बना है, ये आईपॉड और ब्रॉडकास्ट दो वर्ड्स को मिला के बना है। अ पॉडकास्ट इज एन ऑडियो और वीडियो ब्रॉडकास्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट। ये जो पॉडकास्ट है, ये एक ऑडियो और वीडियो ब्रॉडकास्ट है जो इंटरनेट पे आपको मिलेगा। इट हैज़ अ सिमिलर फॉर्मेट एज दैट ऑफ अ रेडियो और टेलीविजन शो। तो इसका जो फॉर्मेट है सेम है रेडियो या फिर टीवी शो की तरह। एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम इज इंटरनेट, एनीवन कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज और हर थॉट्स एंड ओपिनियन टू द वर्ल्ड बाय क्रिएटिंग अ पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट के थ्रू जो है आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को पूरे वर्ल्ड को बता सकते हो। ऑल्दो द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आईपॉड, भले ही ये टर्म आईपॉड से लिया गया है, बट यू डू नॉट नीड एन आईपॉड टू लिसन टू अ पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपको आईपॉड की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आईपॉड से लिया गया तो हमें आईपॉड ही चाहिए। अ पॉडकास्ट कैन बी एक्सेस एंड डाउनलोडेड ईजिली ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। ये जो पॉडकास्ट है ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यूजर के कंप्यूटर पे से या फिर डिजिटल मीडिया प्लेयर से थ्रू द इंटरनेट। यू कैन ईजिली सब्सक्राइब अ पॉडकास्ट ओवर द वेब एंड यूज एनी पोर्टेबल मीडियम। आप क्या कर सकते हो, ईजिली सब्सक्राइब कर सकते हो किसी भी पॉडकास्ट को वेबसाइट पे, और कोई भी पोर्टेबल मीडियम यूज़ कर सकते हो, मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो इसे सुनने के लिए। पॉडकास्टिंग फैसिलिटी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो पॉडकास्टिंग फैसिलिटी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पॉडकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉडकास्ट। ये जो पॉडकास्टिंग है ये एक प्रोसेस है प्रिपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पॉडकास्ट का। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ पॉडकास्ट मेंटेन्स अ सेंट्रल लिस्ट ऑफ ऑडियो। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है पॉडकास्ट का, वो क्या करता है, मेंटेन करता है एक सेंट्रल लिस्ट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, वीडियो और ऑडियो की एक सेंट्रल लिस्ट बनाता है सर्वर पे। एंड दिस लिस्ट कैन बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट बाय यूजिंग अ पॉड कैचर। और इसे जो है, इस लिस्ट को एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट पे पॉड कैचर की मदद से। अ पॉड कैचर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड एंड यूज बाय द यूजर्स टू एक्सेस द पॉडकास्ट फाइल। सो ये जो पॉड कैचर, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो भी पॉडकास्ट है उसके फाइल्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो चेक्स द लिस्ट फॉर एनी अपडेट। ये किसी भी अपडेट के लिए जो लिस्ट है उसे चेक करता है। एंड ऑल्सो डाउनलोड्स द न्यू फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, और नई फाइल्स को इंटरनेट से डाउनलोड करता है ऑन टू द यूजर्स कंप्यूटर। और कहाँ पर करता है, यूजर के कंप्यूटर में। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स दैट होस्ट द पॉडकास्ट आर, कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो पॉडकास्ट को होस्ट करती हैं, उसमें से एक है www.buzzsprout.com, www.soundcloud.com, www.podomatic.com और www.podbean.com। तो ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो इन पॉडकास्ट को होस्ट करती हैं। सो नाउ चिल्ड्रन, वी हैव लर्न सो मच इन दिस चैप्टर, लेट्स रिवाइज व्हाट एवर वी हैव लर्न। सो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग फंड्स और डेटा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। Companies create the website to advertise, display and sell their products and services. Second point is the process of selling and buying products over the internet is called the online shopping or e-shopping. Some of the popular portals for selling and buying goods are Amazon.com, eBay.com, Craigslist.com, Bonanza.com and Flipkart.com.
Net banking, also known as online banking or e-banking, is a means of electronic payment that enables customers to conduct financial transactions through internet over the bank's website. An electronic wallet or e-wallet allows the user to make online transactions through a computer or a smartphone. An e-wallet is usually linked with the user's bank account to make payment, such as utility bills, mobile phone and DTH connection recharge, etc. It can be used as a prepaid wallet in which a user can store money for further transactions. E-banking stands for electronic banking. It is a way of performing bank transactions using internet. A customer can do a number of things using e-banking, such as he can check the amount in his account, transfer the money to his account, or do other things, applying for bank loan, pay bills, etc. E-ticketing means making a reservation or appointment for a service via internet. A blog is an easy way to create a website. Blog kya hai? Kaafi zyada easy tarika hai website ko create karne ka. That allows us to share our thoughts with the world. A web feed is a data format used to keep the user abreast with the frequently updated content of a website. Now children, let's move on to the book exercise, which is check yourself. Here let's move on to the A part, which is tick the correct option. So children, here the first question is, Dash is one of the most popular payment gateway founded in December 1998. So is it Paytm, SecurePay, PayPal or none of these? So it is PayPal. Now second one, Sachin Bansal and Binny Bansal are the founder of Flipkart, Skype, Amazon or none of these? So the correct answer is Flipkart. So like this children, you have to do the rest two questions that are given here. Now children, let's move on to B part, which is fill in the blanks. Here the first question is, buying and selling through e-commerce is e-commerce activity. E-banking helps us to perform bank transactions using internet. So the rest three questions, do them yourself. Now let's move on to true or false. A blog allows the user to share their thoughts with the world. Yes, this is true. In online shopping, we can only sell the products. No, we can also buy the products. So it's false here. Rest questions are your homework. Do it yourself, children. Now let's move on to answer the following questions, which is D part of your book. Now children, let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is, what do you understand by a blog and explain its use? So children, the answer is, blog is the easy way to create a website through which we can share our thoughts to the world. And what are its uses? So the uses of blogs are that the public can comment, add comment or start conversation with the blogger. Now children, the second question is your homework. You have to name one website each for the provided for the following facilities. Now let's move on to the third question. What do you understand by an e-reservation? So e-reservation means making reservation or appointment for services through internet. So this was the answer. You have to do fourth and fifth question yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then, stay tuned. Thanks for watching.